हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनो। दोस्तों मिली नाम का फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों इट्स नॉट अ बैड फिल्म, इट्स अ डिसेंटली वेल मेड फिल्म दैट विल कीप यू डिसेंटली हुक्ड एंड बुक्ड व्हाइल वाचिंग इट। एंड यार सी बेसिकली आई विल टेल यू यार, ये हेलन नाम के मलयालम फिल्म का रीमेक है। तो अगर आपने हेलन फिल्म देखा है और हेलन फिल्म देखने के बाद अगर आप ये फिल्म देख रहे हो तो ऑब्वियसली यार आपको ओरिजिनल ही पसंद आएगा, क्योंकि ओरिजिनल में एना बेन ने जो काम किया था वो लाजवाब था यार। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जानवी कपूर हैज डन अ गुड जॉब इन दिस फिल्म। सबसे पहली बात तो उनका जो इनोसेंस है, जो वो अपने बातों द्वारा नेचर द्वारा जो दिखाती है, वो मतलब एक इनोसेंस, एक एडोरेबल, एक क्यूट फैक्टर जो उनका था वो देखने में काफी अच्छा लगा। ऑन स्क्रीन काफी अच्छे से वो मतलब दिखाई दिया, इट वॉज वेरी वेरी गुड टू वॉच। बट मेजरली सी फिल्म रिवॉल्व अराउंड जानवी कपूर एंड हर सर्वाइवल स्पिरिट। ये सर्वाइवल थ्रिलर है। जानवी कपूर जब फ्रीजर में अटक जाती है, वहां पे 5-6 घंटे रहती है, तो कैसे सरवाइव करती है, क्या कुछ करती है, दैट इज व्हाट द एंटायर फिल्म इज ऑल अबाउट। हाँ बाहर मतलब उनका डैड, बॉयफ्रेंड वगैरह बाकी लोग मिलके ढूंढ रहे, एक सर्च पार्टी सर्चिंग कर रहे, मतलब दे आर ट्राइंग टू सर्च फॉर जानवी कपूर। बट मेजरली हाउ जानवी कपूर इज सर्वाइविंग इनसाइड द फ्रीजर, दैट इज व्हाट फॉर्म्स द मेजर क्रक्स ऑफ द फिल्म। वहां पे दोस्तों मुझे लगा जानवी कपूर ने अच्छा काम किया है फ्रीजर के अंदर। जो भी उन्होंने सीन्स दिखाया, जो भी एक्टिंग दिखाया, जिस तरह से वो कांप रही थी, जिस तरह से वो सर्वाइव कर रही थी, क्या कुछ कर रही थी, गिर रही थी, फिर ये कर रही थी, वो कर रही थी, बहुत कुछ है। जिसने फिल्म नहीं देखा आप जाके देखो यार। तो जिस तरह से वो एक्ट आउट करके दिखाया जानवी कपूर ने, एक्टिंग अच्छा लगा मुझे, गुड नॉट बैड एट ऑल। बट हाँ यार, मतलब बिकॉज इट्स अ रीमेक एंड बिकॉज एना बेन वॉज इन द ओरिजिनल वन, आई थिंक एना बेन वॉज सुपर्ब यार। बट लाइक आई सेड, हैविंग सेड दैट, जानवी कपूर इज नॉट बैड एट ऑल, शी हैज डन अ गुड जॉब, नो डाउट अबाउट इट। इट वॉज गुड टू वॉच जानवी कपूर परफॉर्मेंस, स्पेशली इन साइड द फ्रीजर। अब इसके अलावा दोस्तों यार मनोज पावाजी रॉक्स यार, वॉट टेरिफिक एक्टिंग। इनफैक्ट यार फिल्म का हीरो तो मैं मनोज पावा को बोलूंगा यार, उनको बताऊंगा। वो तो मतलब यार सुपर एक्टिंग, चाहे वो पुलिस स्टेशन के अंदर हो, जानवी कपूर के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, कभी रूठ जाता है तो वो नाराजगी जिस तरह से दिखाता है, प्यार कैसे दिखाता है, एंड व्हेन ही सर्चिंग फॉर जानवी कपूर, जो डेस्परेट होता है मनोज पावा यार, उनको मतलब फुल रेंज ऑफ इमोशंस दिखाने का मौका मिला और ब्रिलियंट तरीके से दिखाया मनोज पावा जी ने। इसके अलावा सनी कौशल भी है, सनी कौशल ने भी अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। बट यार सी फिल्म का हीरो नहीं है सनी कौशल, तो मेरे हिसाब से सनी कौशल इज लुकिंग टू डू हीरो ओरिएंटेड फिल्म, जहां पे वो मेन हीरो हो, जहां पे लीड हीरो वो हो। तो अगर लीडिंग मैन का रोल देख रहे हैं सनी कौशल, तो उनको ऐसा फिल्म्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग रोल में आ जाता है तो सपोर्टिंग एक्टर बन जाता है यार। इसमें तो मेन तो ऑब्वियसली जानवी कपूर है, बाकी सब लोग तो सपोर्टिंग रोल्स ही कर रहे थे, तो उसमें एक सपोर्टिंग रोल सनी कौशल का था। तो मेरे हिसाब से इफ सनी कौशल इज लुकिंग टू बी अ लीडिंग मैन इन बॉलीवुड, देन ही शुड अवॉइड डूइंग सच फिल्म्स। बट परफॉर्मेंस नाइस, गुड टू वॉच। संजय सूरी का छोटा रोल है, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, विक्रम कोचर भी अच्छा था, तो परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड। अब हाँ स्टोरी स्क्रीन प्ले देखो यार, सर्वाइवल थ्रिलर का एक सर्वाइवल स्पिरिट है, एक सर्वाइवल मजा है, एक टेंशन है, वो सब अच्छे से मातकुटी जेवियर जो डायरेक्टर है, जो ओरिजिनल फिल्म का भी डायरेक्टर है, उन्होंने अच्छे से तरीके से बिल्डअप किया। बट यार समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगा यार ओरिजिनल में जो एक बात था ना, वो इसमें मिसिंग जरूर था। एक एक्स फैक्टर आप बोल सकते हो, एक यूएसपी आप बोल सकते हो जो ओरिजिनल में था, वो पता नहीं यार इसमें रीमेक में उतनी तरीके से अच्छे तरीके से आया नहीं है। बट स्टिल नेवर द लेस लाइक आई सेड एट द बिगनिंग, नॉट बैड, डिसेंट डिसेंट वॉच मैं कहूंगा, डिसेंट वन टाइम वॉच जरूर मैं कहूंगा। अब इस रीमेक में एक्स्ट्रा एडिशन है, ऑल्टरेशन भी, एडिशंस मैं कहूंगा, बट यार वो एडिशंस यार इट डजंट ऐड एनी वैल्यू टू द स्टोरी लाइन और टू द फिल्म सो टू स्पीक। तो वो एडिशंस का एक्चुअली कुछ मतलब बना नहीं। आप देखो एडिशंस, मुझे बताना नहीं है, स्पॉइलर नहीं देना है, बट कुछ कुछ एडिशंस आप देखोगे, एक एडिशन आप देखोगे, एक सरप्राइज भी है, सरप्राइज पैकेज आप बोल सकते हो एक स्माइल भी आ जाएगा, बट देन फाइनली यू विल वंडर यार ठीक है, आई मीन उतना कुछ मतलब एक वो एडिशन का उतना कुछ ज्यादा मतलब इम्पैक्ट ऐसा तो ज्यादा पड़ा नहीं, बट ठीक है। एनी वेज आप देख लो, आपको अच्छा लगा तो यार नथिंग लाइक इट, मुझे ठीक ठाक लगा, बट ओवरऑल डिसेंट वॉच। आई एम गोइंग विद 2.5 टू मे बी इवन 3 स्टार्स फॉर द परफॉर्मेंसेज, ओवरऑल परफॉर्मेंसेज, स्पेशली मनोज पावा जी, जानवी कपूर एंड सनी कौशल का परफॉर्मेंस, 2.5 to 3 स्टार्स इसके बीच में मेरा रेटिंग है। अगर आपने देखा है मिली तो मुझे लिख कर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, एंड ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।
तो एक और चीज, मुझे लगता है जानवी कपूर को अपना रीमेक से थोड़ा दूर हटना चाहिए। गुड लक जेरी भी रीमेक था, अब ये भी रीमेक है, उनका पहला फिल्म भी रीमेक था, तो रीमेक से हटके ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल सब्जेक्ट्स, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स को चुनना चाहिए। एंड प्लस यार, ये फीमेल ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स कर रही है जानवी कपूर, उन्होंने गुंजन सक्सेना किया, उसके बाद ये गुड लक जेरी किया, अब ये किया उन्होंने, हेलन बोल रहा हूं मैं, मिली किया उन्होंने, यू नो, सो थ्री फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स दैट शी डिड। तो फीमेल ओरिएंटेड से भी एक ब्रेक लेके उनको एक ऐसे फिल्म में काम करना चाहिए जहां पे उनके ऑपोजिट एक मेल स्टार हो, जो उनके लेवल का एक मेल स्टार हो, जिनका स्टारडम उनके लेवल का हो या उनसे ज्यादा हो, या मतलब मेजरली उनके लेवल का कोई मेल स्टार के साथ उनको काम करना चाहिए, तो मजा आएगा ना यार। तो मतलब एक जानवी कपूर एंड अनदर मेल स्टार इन अ फिल्म, एक रोमांटिक फिल्म कर लो यार, सुपर रहेगा। तो आई थिंक जानवी कपूर शुड नाउ ऑप्ट फॉर एन आउट एंड आउट रोमांटिक स्टोरी, देखने में बहुत बहुत बढ़िया रहेगा जानवी कपूर कैसे फिल्म है, ये मेरा एक चाहत है, बट बाकी तो जानवी कपूर के ऊपर। एनीवेज दोस्तों, आपका क्या टेक है इस पर लिखकर बताना, एंड फिल्म के बारे में भी लेट मी नो योर टेक। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।